भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोटेगांव नगर के शीतल धर्मशाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री चालम सिंह पटेल एवं अन्य पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जालम सिंह पटेल ने पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को माल्यार्पण किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्री के बारे में कहा और उनके विचार रखे। वही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ भी जाएंगे जेल। 1984 के सिख दंगे में स्पॉट पर जहां दो सरदारों को जिंदा जलाया गया था, SIT टीम गठित कर दी गई है, उसकी जांच शुरू हो गई है। कोर्ट के जज के माध्यम से होगी जांच, लगभग पूरे सीडी बन गई है। नरसिंहपुर से अकित नेमा की रिपोर्ट। जिंदा जलाया गया था और उसकी जांच शुरू हो गई है, SIT खुल गई है, उसकी भी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक जज के माध्यम से उसकी जांच होगी। जैसे अनेक जो व्यक्ति बात करता है, ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस से बात बोलता है, उसी प्रकार से कमलनाथ जी के भी दिन पूरे हो गए और लगभग सबकी CD वगैरह बन गई। तो अपने जिले का, अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जिसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि सर पहले पद पर बैठे, मगर इतना भयंकर भ्रष्टाचार, जम्मू कश्मीर लोगों को जाने नहीं दिया गया, वहाँ आतंकवाद के नाम पर अनेक कई प्रकार के प्रतिबंध लगाकर वहाँ 370 धारा का दुरुपयोग कैसे कांग्रेस ने किया है, पाकिस्तान के लोगों ने किया है, पाकिस्तान परस्तों ने किया है, उस हमारे कश्मीर को कैसे हटाने और हमसे अलग करने का षड्यंत्र किया गया, उसकी जानकारी भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। वहाँ जो अगर कोई व्यक्ति वहाँ को बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, बाहर का कोई व्यक्ति अस्पताल नहीं खोल सकता, उद्योग लगा नहीं सकता, वहाँ की कोई बेटी है अगर वो शादी दिल्ली के किसी व्यक्ति से शादी करती तो वो वैसे नहीं होगी, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करेगी तो वृद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से अनेक और भी वहाँ बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, उनको बंद कर दिया गया। और जब इसके बाद आज़ादी के बाद कुछ हमारे सिख बंधुओं को वहाँ की जो हमारी सुरक्षा, मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था और हिंदू धर्म को रक्षित करने के लिए भेजा गया, वहाँ पहुँच गए लोग और देश से जो हमारे सिंधी भाई आए, जो हिंदू आए, उनको वहाँ किसी प्रकार की